हेलो फ्रेंड्स, आशीष जी आप सिंपल स्टूपिड टेक, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपने स्मार्टफोन से जो जियो का STB है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। चैनल चेंज करना, कुछ सर्च करना, सब कुछ पॉसिबल है, और उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जियो होम ऐप। इस ऐप के और भी काफी फीचर्स है, लाइक शेयरिंग का भी फीचर है और भी काफी कुछ है, बट यहाँ पे हम रिमोट की बात कर रहे हैं। और शुरू करने से एक चीज बता दूं, MI रिमोट में इसका सपोर्ट नहीं है जियो STV का, तो आप वहाँ माथा मत लगाने जाइएगा। सिंपल आपको जियो होम का ऐप इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना है कि आपका जो जियो STV है और जो आपका फोन है वो सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हो, ताकि वो एक दूसरे को खोज सके। ठीक है, तो आपको ये ओपन करना है, और यहाँ नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, माई रिमोट, माई मीडिया और माई नेटवर्क। आपको सेलेक्ट करना है माई रिमोट, तो मैं माई रिमोट सेलेक्ट करता हूँ। और एक चीज, ये जब आप ऐप पहली बार करोगे तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर जियो के साथ रजिस्टर्ड है उससे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ माई रिमोट पे जाता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो कि ये स्कैन कर रहा है और ऑलरेडी एक जियो STV जो है मेरा फाइंड कर चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन पेयरिंग रिक्वेस्ट इज डिस्प्लेड ऑन TV, तो वहां पे आप पेयर ऑप्शन पे टीवी पे ओके बटन दबाइएगा, और जब पेयरिंग पिन मांगेगा तो आपको पेयरिंग पिन आपको देना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ एक पिन दिखा रहा है। अब मैं आपको TV भी दिखा देता हूँ, TV पे भी रिक्वेस्ट आ गया, और मुझे यहाँ पेयर बटन दबाना है। अब क्योंकि इतनी देर रुका हुआ था तो रिट्राई करते हैं, और ये रिमोट अपना रखते हैं साथ में, और यहाँ पे अब आपको पेयर करना है, तो आपको यहाँ पे करना है पेयर, और यहाँ पे भी पेयर दबाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास एक फुल फ्लेजेड जियो TV का रिमोट आ गया है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इस रिमोट से, यहाँ आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट सेम है, वो कलर्स वाले हैं, TV का भी है, ओके बटन भी है, नेविगेशन बटन्स भी है। आप यहाँ पे चाहो तो चेंज करके दूसरा कुछ ला सकते हो, नंबर पैड भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपको गेम पैड भी मिल रहा है। अगर आप जियो TV में गेम खेलते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ कि इसमें कैसे क्या है। तो आपको यहाँ बैक और होम बटन मिल रहा है, फिर आपको कलर बटन्स मिल रहा है, वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप दबाओगे तो वो बढ़ जाएगा। TV का भी कंट्रोल हो सकता है, अगर आप TV का दबाओगे तो TV ऑन ऑफ हो सकता है। हेल्प है, प्रोफाइल है, आपको अगर कहीं प्रोफाइल स्विच करना है तो प्रोफाइल पे जा सकते हो। उसके बाद आपको ये थोड़ा मिनिमल रिमोट मिलता है, जो कि बेसिकली आपका वॉल्यूम बढ़ाने के, चैनल चेंज करने में, ये है तो TV का कंट्रोल एक्चुअली, कि आप TV वगैरह इससे कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपको कीपैड मिलता है, क्योंकि कई बार होता है आपको नंबर डालना पड़ता है, तो आप वो नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ गेम पैड मिल रहा है, आपको गेम पैड का भी लुक दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पे हर तरह का कंट्रोल है, XY AB भी है, रेड L1 L2 R2 R1 जो राइट बम्पर्स और लेफ्ट बम्पर्स होते हैं वो भी है। आप यहाँ से चाहो तो जियो TV का STV को बंद भी कर सकते हो। और एक चीज़ और है, आप Wi-Fi पे भी कंट्रोल कर सकते हो। ये तो ब्लूटूथ की पेयरिंग होगी, ठीक है, ये पेयरिंग मैंने ब्लूटूथ पे किया है। अब मैं अगर Wi-Fi पे जाता हूँ और इसको टैप करता हूँ, तो वापस से वहाँ एक कोड आता है, मैं वो कोड डाल देता हूँ, तो ये क्या होगा कि Wi-Fi से कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं एंटर करता हूँ, और अब ये जो पूरा सिस्टम है ये Wi-Fi से चल रहा है। इसमें आपको रिमोट मिलता है, नंबर पैड मिलता है, नेविगेशन बटन्स मिलते हैं, लेकिन आपको गेम पैड नहीं मिलता। गेम पैड जो है वो सिर्फ आपका, तो ये होम स्क्रीन है, आपको अपना रिमोट लाना, आप यहाँ पे आ जाओ, और जिस भी रिमोट पे टैप करना है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ से कर लो, वाईफाई से करना है तो वाईफाई कर लो, कोई खास डिफरेंस नहीं है। और ऐसे तो एक किसी से भी एक से काम हो जाता, बट प्रॉब्ली गेमिंग के चक्कर में शायद दे रखा है, या वाईफाई नहीं चल रहा है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए ब्लूटूथ दे रखा है। तो दोस्तों, ये था जियो STV का रिमोट जो आपके फ़ोन पे आ सकता है। आपको यूज़ करना है जियो का होम ऐप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उससे आप पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।